नमस्कार, मैं हूं सुमैया अंसारी और आप देख रहे हैं यूथ कॉर्नर। 6 घंटे बाद शांत हुआ जेल में शुरू हुआ बवाल, पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। जनपद जौनपुर जिला कारागार में एक सजायाफ्ता कैदी की बीमारी के चलते मौत के बाद जेल में शुरू हुए बवाल को करीब 6 घंटे बाद कमिश्नर वाराणसी और IG ने शांत करा दिया है। बंदियों के मांगों व आरोपों को गंभीरता से लेते हुए मंडल के दोनों अधिकारियों ने जांच कराने का आश्वासन देकर आक्रोशित कैदियों का गुस्सा शांत करा दिया है। IG वाराणसी SK भगत ने बताया कि करीब 4:30 बजे मुझे और कमिश्नर को सूचना मिला कि किसी मामले को लेकर जौनपुर जेल में कैदियों द्वारा बवाल किया जा रहा है। सूचना पर हम लोग जेल पहुँचे। कैदियों की कुछ मांगें थीं जिसे कमिश्नर ने नोट किया है। अब पूरी तरह से जेल में शांति है। मौके पर DMSP समेत सुरक्षा के कड़े इंतजाम किया गया है। अब जेल में पूरी तरह से शांति है। आपको बता दें कि शुक्रवार को आजीवन कारावास पाए 42 वर्षीय पूर्व BDC सदस्य बागेश मिश्र की मौत हो गई थी, जबकि परिजन का आरोप है कि जेल प्रशासन की लापरवाही से मौत हुई। ये मुख्य आरोप इनका यही था कि जो है कि डॉक्टरों के इलाज की में लापरवाही हुई है, तो इसमें जब तक जांच नहीं होगी डॉक्टर का क्या कहना है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है, उन सब के आधार पे जांच रिपोर्ट जाएगी। हम लोग पथराव करने वाले पर कोई कार्रवाई होगी क्या देखने क्या, तो इस वक्त तो मेरा कहना उचित नहीं होगा, इसलिए कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इस पर कमेंट नहीं किया जा सकता। और लेकिन जो है किसी का भाई जेल के अंदर मर जाता है तो वो जो है वो उनको लगता है कि जो है कि और बेहतर इलाज हो सकता था, तो ये जो है ये आवेश की बात है और उसमें कोई जेल के अंदर है सब लोग और जो है उसी में किसी ने भड़काया है ऐसा प्रतीत हो रहा है जांच रिपोर्ट आने फिर। कल जो जिला जेल में दुर्घटना हुई थी उसके बाद से एक जांच समिति बनाई गई है और सारे लोग नहीं आया था और हमारे साथ थे, तो घटना की पूरी जानकारी लेने के लिए ही हम लोग अंदर गए हुए थे और काफ़ी डिटेल में कई घंटों से हम लोगों ने काफ़ी कुछ तथ्य निकाले हैं और अभी जांच पूरी नहीं हुई है, जाँच विचाराधीन है। सारे लोगों से चाहे वो हॉस्पिटल की बात हो, चाहे उनके खाने की बात हो, चाहे अन्य जो भी शिकायतें अंदर तक की, चाहे वो जेल प्रशासन की शिकायत हो या फिर जेल प्रशासन के जो भी कर्मचारी गण ने फीडबैक दिया कि कब घटनाक्रम क्या हुआ करते हुए, एक पूरी हम लोग एक डिटेल इसकी जांच रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसकी पूरी रिपोर्ट हम लोग प्रशासन को भेजेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सर मृतक का क्या लग रहा है सर, इस मामले में क्यों ये उपद्रव शुरू हुआ था जेल के अंदर और किस तरीके से ये उत्पात इतने देर तक चलता है, अभी तो सब जांच हम लोग कर रहे हैं। और शुरुआत में चूंकि जैसा कि कल का घटनाक्रम आपको भी पता है कि एक कैदी जो यहाँ पे बंद थे उनकी डेथ हुई थी और वो जिला अस्पताल में ले जाते समय उनकी डेथ हो गई, तो मुख्य तो उन्हीं के मृत्यु के बाद से कुछ लोगों में असंतोष था और बाकी जो डिटेल है वो हम लोग जब तक जांच नहीं कर लेते हैं तब तक तथ्यात्मक बात। एक मामला और समझाने से उसका भाई और भतीजा भी इसी में बंद है, क्या उसका भी वो लोग भी हैं, प्रयास लगाया जा रहा था कि हिंसा बढ़ाने के किस तरह का बवाल किया था, क्या क्या नुकसान थे, क्या ये सब यही आकलन हमारी पूरी टीम कर रही है और कई घंटे से हम लोग अंदर थे तो एक एक चीज का हम लोग आकलन कर रहे हैं और इसकी डिटेल रिपोर्ट जैसे ही आ जाएगी हम आपको ज्यादातर उसमें नारेबाजी और इकट्ठा होकर के होता तो या से नुकसान का जो बाकी तथ्य आएंगे जांच रिपोर्ट का नहीं सर, जो उसका भाई और भतीजा बंधे थे क्या उनका भी रोल रहा है? नहीं, इसमें कोई पुलिस का कोई सिपाही चोटिल नहीं हुआ है और उसके भाई की भूमिका का जो आप पूछ रहे हैं वो जांच अभी हमारी चल रही है, ड्रोन कैमरा से और अन्य CCTV में जो फुटेज है उसके माध्यम से देखा जाएगा, अगर वैसा कुछ आता है तो आप लोगों को अग्रिम जो भी प्रगति होगी उसका। पहले बंदी रक्षा को लेकर गया है सर, यहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से जेल के अंदर से बवाल शुरू होने से शुरू हुई, मतलब पहले बनारस भर्ती है वो फिलहाल वक्त में। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें यूथ कॉर्नर के साथ।